हमारे बीच में जिला पंचायत के नव निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज आपकी जन आभार रैली आयोजित की संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र की जनता का भारी जन सहयोग मिला। अब आगामी समय में क्षेत्र के विकास में क्या जन सहयोग रहेगा? इस तरह से क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिला पंचायत सदस्य बनाया है। मेरे साथ मेरे जिला पंचायत सदस्य भी उपस्थित हैं, जिनके सहयोग से मैं आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष बना हूं। मैं इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों के सहयोग से क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा वो करूंगा। क्षेत्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसे लागू कराने के लिए भरपूर मेहनत करके जन जन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। लोगों के सुख दुख में इसी तरह से, जिस तरह से आज मुझे अपार प्रेम क्षेत्र की जनता ने दिया है, मैं इसी तरह क्षेत्र की जनता के बीच में बना रहूंगा और इसी तरह से लोगों की सेवा करता रहूंगा। हमारे बीच में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश पटेल जी भी उपस्थित हैं। इस पूरी जीत में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्या कहेंगे आप इस जीत को? ये जीत तो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्यों की, हमारे संगठन की, कांग्रेस के संगठन की, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्यों के सहयोग और कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के हमारे मार्गदर्शक जो नेता हैं, उनके सहयोग के कारण ही हम अपने भाई को विवेक पटेल जी को जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनवा के लाए हैं। मैं सभी जिला पंचायत के कांग्रेस समर्थित और ओबीसी के जिला पंचायत सदस्यों को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेस के अपने नेताओं को, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। अभी आगामी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके से अपार जन सहयोग मिल रहा है, इसे देखते हुए आपको एक मजबूत दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो क्षेत्र की जनता का प्यार है जो हम लोगों को आज नहीं, पिछले 22 साल से मिल रहा है। मैं खुद 2 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहा हूँ। आज फिर मेरा छोटा भाई जिला पंचायत में जैसे मैं जीतता रहा हूँ वैसे ही जीता है। हमारे क्षेत्र की जनता ने जैसे मुझे जिताती थी वैसे ही 10,000 के ऊपर मैं कभी नीचे, इससे नीचे मुझे वोट नहीं मिले। इस बार भी हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें 13,000 के आसपास पहुँचाया है, तो क्षेत्र की जनता का अपार जन समर्थन हमें हमेशा मिलता रहा है। रही बात कि कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस का सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आगामी जो भी दिशा निर्देश पार्टी के होंगे, मैं तो उस दिशा निर्देशों के तहत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करूँगा। दावेदार बहुत हैं और ये सारी तय करना हमारे हाईकमान का काम है, और वो काम मेरा नहीं, हाईकमान का काम है। हाईकमान के जो भी निर्देश होंगे कांग्रेस के हाईकमान, उसका पालन करना मेरा काम। क्या इस जन आभार रैली को आपके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये हमारा प्यार, पब्लिक का प्यार है। पब्लिक ने हमें प्यार दिया, हम उसी प्यार को वापस उनके साथ बांटने के लिए, उनके साथ हमें बैठना उठना सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पब्लिक ने हमें अगर बनाया तो आगामी 5 साल के लिए हमारे छोटे भाई को बनाया है। जिस हिसाब से उन्होंने प्यार दिया है, मुझे उस प्यार के बदले उनके सुख दुख में खड़े रहना है, उनके जो भी रोज़मर्रा के काम हैं वो कैसे सुचारू रूप से सरकारों से चलते हैं, वो कहीं अगर योजनाएँ रुक रही हैं, पंचायतों में कहीं कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों को हल करने के लिए जो क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया है, उसके लिए हम लोग आगामी 5 वर्षों तक काम करेंगे। और जिला जनपदों में जो सरकारों से जो कार्य आते हैं उसके अलावा रोजगार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की, हम अपने क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार में वो कैसे पढ़ लिख करके और अपना खुद का रोजगार बनाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, मिशन चलेंगे। पंजाब केसरी से संवाददाता प्रकाश कासी के साथ कैमरामैन के कपूर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।